झारखंड के दुमका में मयूराक्षी नदी पर बने राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन हेमंत सोरेन ने कर दिया है। उपराजधानी दुमका में कुमराबाद और मकरमपुर के बीच बने इस पुल का विधिवत उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन ने फीता काट कर किया है। ये पुल लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से बना है, जिसकी लंबाई 2.34 किलोमीटर जो दर्जनों गांवों को ही नहीं बल्कि झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है। साथ ही सीएम ने इसका नाम शिबू सोरेन के नाम पर रखने और जल्द शिलापट्ट में नाम अंकित करने की घोषणा की। ये घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि झारखंड में आंदोलनकारी लोगों के सम्मान में ये नाम रखा जाएगा। आपको बता दें कि पिछली बीजेपी की रघुवर दास सरकार ने निर्माणधीन इस पुल का नाम सेल्फी ब्रिज रखा था, वहीं वर्तमान सरकार ने इस पुल का नाम शिबू सोरेन के नाम से करने की बात कही है। ये पुल रोजगार की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस पुल के बन जाने से पश्चिम बंगाल की दूरी बहुत ही कम हो गई है, वहीं प्राकृतिक लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। दोनों किनारे पहाड़ी और बीच नदी में बने इस पुल के सौंदर्य को चार चांद लगा देता है। यहाँ शहर समेत दूसरे गांव के लोग घूमने पहुंच रहे हैं। पुल के बीच में सेल्फी लेने के लिए आई लव दुमका का कटआउट लगाया गया है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं और तस्वीरों में कैद कर यादों को संजो रहे हैं। आज की इस महत्वाकांक्षी योजना और बादल जी ने आज इस ब्रिज का नामकरण आदरणीय उत्तम गुरु श्री गुरुवर्ण जी के नाम पर करने के लिए कहा, ये निश्चित रूप से हम अपने आंदोलनकारियों को सम्मान देते हैं। ये झारखंड का पहचान है, झारखंड की परंपरा है। हम अपने वीरों को कभी नहीं भूलते और हम न कभी भूल पाएंगे। निश्चित रूप से इस देश के सबसे बड़े आंदोलनकारी के रूप में आज हम लोग के बीच में भी है और निश्चित रूप से ये उत्साहवर्धक खबर भी उनको और अच्छा लगेगा और हमारे आंदोलनकारियों को उनका मनोबल ऊंचा होगा और निश्चित रूप से इस विषय पर सरकारी का जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका के ऐतिहासिक पुल का उद्घाटन कर दिया है। यह ऐतिहासिक पुल करीब 200 करोड़ की लागत से करीब 2 किलोमीटर का है। इस पुल के बन जाने से लोगों के पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच की दूरी कम हो गई है। यह पुल ऐतिहासिक रूप से माना जाता है। हेमंत सोरेन ने यह भी घोषणा की कि इस पुल का नाम अब दिशम गुरु शिबू सोरेन के नाम का होगा, लेकिन इसके लिए सरकारी कागजी पहल की जरूरत है। यह प्रस्ताव मंत्री बादल पत्रलेख ने किया था, तो उनकी भावनाओं को रखते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। दुमका से विकास प्रसाद शाह, ABP न्यूज।